अभी हम हैं जयपुर के बस स्टैंड पर और ये हमारी मेहरारू बाबू ने मुंह छुपा लिया, बोल रहा नहीं दिखाएंगे। तो राजस्थान में अभी लॉकडाउन है और हमें जाना है एक शादी में। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपने गाड़ी का तो बताया नहीं, क्या हुआ? गाड़ी आएगी। हमारी गाड़ी आ चुकी है, लेकिन मैं आपको एक ज्ञान की बात बता देता हूँ। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि हर शादी में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वाले मेरी तरह के, जो कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यार इनके जितना काम कोई नहीं कर सकता। और दूसरे होते हैं दुल्हन या दूल्हे के पापा, जो किसी कोने में बैठकर चुपचाप बस अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे होते हैं। ऐसा मुझे लगता है, आपको क्या लगता है? वीडियो देखिए और फिर कमेंट में बताइए। तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं शादी में। ये देखिए मेरी मासी, सारी मासी, ये स्पेशल है। ये स्टाइल स्टाइल की बातें करें। राजस्थान की शादियों में अगर घोड़ी और ऊंट नहीं नाचे तो क्या मजा आया। बारात पे तो आप लोगों को पता ही है लॉकडाउन है, जा नहीं पाई। हम लोगों को ही जाना था, तो मेरे पास ये एक फोटो है, इसी से आपको काम चलाना है। तो ये है हमारी गैंग, ये अक्षय है, ये पागल है जिसके नाखून बड़े बड़े हैं, ये इससे भी बड़ी पागल है, ये बीच में हाथी, और इसके बाद में नंबर आता है सांड का, ये पता नहीं कौन है, ये बहुत प्यारा है और मेरा तो कहना ही है। तो शादी अच्छे से हो गई है और हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। जब पिछली बार इससे मिला तो भी इतनी थी और अभी मिल रहा हूँ तो भी इतनी है। रीजन क्या था, इसको किसी ने बोल दिया मोटी हो रही है, इसने डाइट पे रहना शुरू कर दिया और हालत ये है कि अभी कमजोरी आ गई है। इनको बोलो कि सब मोटे होके क्या करोगे, आप होना सबसे मोटे, मैं तो वैसे भी मोटे ही हूँ। ऐसे ऐसे कहा जाता है कि पर्वत को नहीं पता चलता कि उसके पत्थर कैसा है। एक तो देखो ये इसको देखने पे लगता है कि कम से कम 70 किलो का कोई ऐसे भारी भरकम पत्थर है, और इसको देखने से लगता है कि आप लोग कमेंट करके ये पूछना कि इनका वेट क्या है। मेरा यही 65-70, आई एम वेरी फिट। कुल मिलाकर बात है कि मैं जब कैमरा देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत नजर आ रहा हूँ, बस काफी है। यहाँ खूबसूरती की बात नहीं हो रही, यहाँ वेट की बात हो रही है। चलिए, मेरा मकसद ये तो बीच में कूद गया, ऐसे मेरे को मिलवाना था काजू से, बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अपना वजन कम कर रही है ना, अगले 2-3 साल बाद में माइक्रोस्कोप से ढूंढेंगे। तो लगभग 200 किलोमीटर का सफर था और हमने बस से तय किया है, तो थोड़ा सा बाबू भी परेशान हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुस्कुरा रहा है, ये अच्छी बात है। तो घूम घाम करके हम फिर से जयपुर आ गए हैं। अभी जयपुर में चल रहा है जबरदस्त वाला लॉकडाउन, तो अभी कैब का वेट कर रहा है, लेकिन पहले थोड़ा सा सीन दिखा देते हैं आपको। एक सवारी उतरी है और एक सवारी के पीछे कम से कम 10 ऑटो ड्राइवर्स हैं। अब इनकी भी मजबूरियां हैं यार, EMI आ रही है, वो तो कहीं जाएगी नहीं, घर का खर्च भी चलाना, और बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स तो ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हैं, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पर वो घर घर चला रहे हैं। तो अभी चलते हैं घर पर और फिर आपसे बात करते हैं। कैब में बैठने के बाद थोड़ा सा परेशान हुआ और रोना भी शुरू किया, लेकिन उसके बाद जैसे अपनी माँ के पास गया सब कुछ नॉर्मल। तो गाइस घर पे पहुंच चुके हैं और घर पे पहुंचने के बाद इसकी
वही तबाही फिर से शुरू हो गई है। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट कर देना, साथ में 5000 लाइक का टारगेट है वो पूरा करवा देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ में घंटा दबा देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।